क्या चाहिए होगा? हर गांव में आपको 100 से 200 ड्रोन चाहिए होंगे। मतलब ड्रोन आने वाले समय का भविष्य है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जितने भी फील्ड आपको स्टडी करने हैं वहां बच्चों को तैयार करना होगा। ड्रोन ऑपरेटर, ड्रोन मैन्युफैक्चरर के साथ साथ में ड्रोन को सर्विस प्रोवाइडर, ड्रोन ऑपरेटर के अलावा एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे फील्ड्स की भयंकर डिमांड आने वाले समय में होनी है, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम दुनिया में लीड करने जा रहे हैं। द पॉइंट इज, इन मुद्दों को अगर हमने समझना शुरू किया तो हम बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। पर उसके पहले मैं कदम और पहले आता हूं। तुर्की ने भारत का गेहूं लौटा दिया और दुनिया के बहुत सारे देशों ने भारत की चाय भी लौटा दिया। ये हम एकेडमिशियंस के, हमारे स्टाफ रूम के डिस्कशन का टॉपिक है। हम एकेडमिशियंस का एकेडमिक मुद्दा है कि हमारे खेतों में से उगा हुआ धान, हमारे खेतों से उगा हुआ गेहूं, हमारे खेतों से उगा हुआ चाय अगर दुनिया के देश स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका किसान कमजोर होता है, आपका किसान कमजोर होता है तो आपकी इकोनॉमी टूटती है, और आपकी इकोनॉमी टूटती है तो हमारा पूरे का पूरा फाइनेंशियल मॉडल टूटता है। तो आखिर इसको रोका कैसे जाए? और यहां पर हमारा कंसर्न खड़ा होता है कैसे रोका जाए। यहां पे एजुकेशन, केमिकल मुक्त एग्रीकल्चर श्रीलंका ने करने की कोशिश की थी, बिकने के कगार पे आ गए। तो हम कहीं वो गलती न कर बैठे। सबको याद है तीन महीने पहले एक स्पीच डिलीवर की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी में। स्पीच का जो थीम था, आने वाले समय में हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, मतलब नेचुरल खेती, नेचुरल फर्टिलाइजर।